की पड़ोसी देश साउथ कोरिया से जो वीडियो निकल के आई है आप देख ही लिया होगा कैसे उन लोगों ने धक्के मार के इंडियन को निकाला है क्लब से इतना ही नहीं उन्होंने पोस्टर लगा दिया कि नो पाकिस्तानी नो इस्लाम नो इंडियन नो हिंदू तो आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा इंटरव्यू करके कि जापानीज लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं तो तो। तो? तो तो। चलिए शुरू करते हैं रोनल्डो वाई की तरह आप भी मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि जापान की, की होमोसाइड रेट क्या है और जापान की सेफ्टी रैंकिंग क्या है दुनिया भर में तो वो फिक्स नहीं है जापान की सेफ्टी रैंकिंग बहुत ही डिफरेंट है किसी साइड में कुछ है किसी साइड में कुछ है लेकिन हाँ होमोसाइड मतलब मर्डर या फिर सुसाइड की रेट सुसाइड नहीं मर्डर की रेट अगर आप पूछेंगे तो जीरो पॉइंट टू है एक लाख में से मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही मिनिमल और उसमें से क्राइम रेट एकदम कम है और क्राइम भी कैसे हैं साइकिल चोरी कपड़े चोरी ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे छतरी छतरी की चोरी ऐसे ऐसे के केसेस ज़्यादा आते हैं अगर आपकी गाड़ी एक भी कबूतर मानो कबूतर को अगर टकरा जाए और कबूतर मर जाए तो दस लाख येन या तो एक साल जेल की है जी हाँ सिर्फ एक कबूतर से अब मानो आप जो कुत्ता होगा बिल्ली होगा या फिर और भी जानवर होगा या फिर इंसान होगा तो क्या होगा उसका असर आप सोच ही सकते हो बिने भाई इससे इंडियन का सेफ या फिर सेफ ना होने से क्या फायदा लफड़े से बचना है तो आपको ड्राइविंग में बहुत ध्यान देना होगा आपके लाइसेंस अगर आपके पास मतलब निकाल लिया है जापनीज में चेंज कर लिया है तो आपको एकदम स्पीडिंग हो गई या फिर किसी भी जानवर से टकराना या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग से टकराने से, से बचना होगा तो आपकी गलती मानी जाएगी दूसरी चीज जो बहुत ही सेफ बनाती है जापान को वो है कि यहां का गन का पॉलिसी मतलब नॉर्मल पीपल जैसे अमेरिका में या फिर हमारे देश में नॉर्मल पीपल अब बिहार में जाओगे तो जिसके भी हाथ में मिल जाएगा मतलब जिसके भी नहीं मोस्ट ऑफ द लोगों के हाथ में मिल जाएगा ये गन की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है जापान में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसकी वजह से कि नॉर्मल फाइट में मारी मार, मारा मारी या फिर पूरा पुर, कोई ले कर आके छुरा घोप दिया या फिर गन 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 से मतलब किसी को शूट कर दिया ऐसा ऐसा केस बहुत ही रेयर होता है एक लड़की जो थोड़ा सा साइको हो गई थी वो एक ट्रेन स्टेशन ट्रेन के स्टेशन में वेट किया और किसी भी एक ट्रेन को चूज करके उस ट्रेन के अंदर जो भी पैसेंजर थे उनमें से तीन या फिर चार बंदों को ढक 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 छुरा गोप दिया ये ये चीज़ सुन के बहुत शौक हो गए थे सब लोग कि अगर यार जापान में भी ऐसा होने लगा जापान में भी ऐसा करने लगे लोग जब रिसर्च किए तो वो लड़की थी जापानीज थी और उसने जिस चीज़ को मारा है वो उनके ही उसके ही आई थिंक लवर या फिर क्या था वो किसे जो भी हो वो विदेशी वाला टॉपिक नहीं था मोस्ट ऑफ द लोगों को लगा था कि वो विदेशी कोई होगा वो नहीं था जापानीज था और जापानीज लोगों से ये सतर्क रहना पड़ता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये लोग बहुत ही इंट्रोवर्ड होते हैं इंट्रोवर्ड की नई सीमाएँ इन्होंने बना दी है ये लोग इतना कुछ भी नहीं बोल पाते हैं ना तो एक ही बार में इन लोगों का निकल जाता है या तो ये लोग ऐसा कर देते हैं या तो सुसाइड कर लेते हैं इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ ज़्यादातर इन लोगों से दूर ही रहने में ज़्यादा भलाई हेलो हेलो अरे यार मेरे को ही नहीं, नहीं, नहीं यार

चोर डांको ज़्यादा कम आते हैं जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन केस था कॉन्विनी में आके जो होते हैं ना उनके फॉर्मल मेंबर फॉर्मर मेंबर या फिर टीनेजर्स लूटपाट करते थे वो अभी बहुत कम हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियंस इन जापान उसकी वजह से बहुत कम हो गया है ये मैंने नहीं ये मैनेजर लोगों ने बताया है यहाँ पे हमारा ये मैनेजर का नाम था नकादा उन्होंने मेरे को पर्सनली बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए हम ज़्यादा हेयर करते हैं ये अभी साउंड जो आ रहा है वो कस्टमर का आ रहा है और मेरा जाने का टाइम हो गया इसलिए हम बाहर मिलते हैं और ये पार्क है जो मेरा मेरा पर्सनल फेवरेट है अभी मैं काम से आया था देखियो और निकल रहा हूँ बाहर जहाँ पे अभी बच्चे लोग जा रहे हैं जै स्टूडेंट के जो सिंजन में आपने देखा होगा ना के जैसे बच्चे दोस्तों मैं जापान में तीन साल से रह रहा हूं और यहां पे बहुत सारे इंडियन भाई लोग हैं जो रह चुके हैं सोलह साल तक बीस साल तक और आप बात ही कर लें यूट्यूबर्स की तो रोमरोम भाई की आपको पता है कि पवन भाई यहाँ से यहाँ पे आठ साल हो चुके हैं उनके और बहुत सारे यूट्यूबर है जो लंबे टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जापान जापानीज लोग इंडियन के बारे में क्या सोचते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पे पार्क में हूँ अभी आ, उमिकोजी पार्क है और यहाँ पे आके मैंने तीन जापानीज लॉन्डो से यहाँ पे मैं मिल चुका हूँ और उन लोगों से इंटरव्यू करेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे मेरा साहब कौन सी वाह नाम आए वाह को तिरकारा उसे तिकुरा था खजमा खजमा तो मीना सा यस को नहीं आ चुका है और ये वाह इंडोजिंदस अदर को तेरा निहोंजिंदस है मीना अतो サカのサカのメンシティとかパリスとかジャーマニの、やってるんですけどサカはインドでも有名です。あと今日は俺はインドの中質問聞きたいんですけど大丈夫ですかじゃインドの料理は今日まで食べたことありますかありますかカレーとかそうですかカレー

インドのイメージイメージなんかあーやっぱりど何でもいいですね何でもいいです本当にいろんななんでしょう歴史な歴史な歴史的な建物とか建物です食べ物が美味しいうんあとはクリケットクリケットそうですかクリケットが人気皆さんはクリケットは知っていますかなんか日本なんか日本ではあんまり我れは見てないんですけどべなんか野球の方が有名ですねでもインドでは なんか野球みたいですね。クリケットは。うん、皆さんなんか見たことありますか。クリ <coughs> ケット。あああります。あなんか,となんかクリケットで誰がなんかしていますか。名前とか。その名前とかしあんまり知らないです。知らないですか。知らないです。か。あと今はサッカーのジャージありますけど、サッカーで誰が一番好きですか。 ロナウドでロベルト・カルロスハーランドハーランドインドやそこの行きたいんですかないんですか行きたいです行きたいんですか行きたいんですか行きいんですか行きたいんですか当ですか今は多分恋人はいないんですけどインドの恋人はできますかできないんですかできますね。できますかできますか本当ですかじゃあ皆さんありがとうございました。OK。 1, 2, 3, Jai J3!